जय गुरु जी टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? ओके, आप सब अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है ये है शुक्र का राशि परिवर्तन जो 23 जुलाई को हो रहा है। 23 जुलाई को शुक्र देव वक्री होंगे। और तो मैं आपको बताती हूँ क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा, किन किन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। और देखिए, शुक्रदेव अभी सिंह राशि में है मंगल के साथ, जो कि बिल्कुल भी शुभ स्थिति नहीं थी। बहुत सारे लोगों ने मेरी पोस्ट भी देखी होगी, मैंने शेयर किया था कि आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की न्यूज़ सबसे ज़्यादा सुनने में मिलेंगी, और लोग डाइवोर्स लेंगे अपने पार्टनर से, ब्रेकअप्स होंगे, या जैसे रेप केसेस मैंने आपको बोला था, और वो सब आपने अभी सुना। मणिपुर वाली दुर्घटना जो घटी है बहुत ही ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा घटिया तो शायद मुझे लगता है कि कोई न्यूज़ नहीं हो सकती, जो भी चीज़ अभी हुई है ये। और मैं हमेशा से कुछ चीज़ें बोलती भी हूँ कि हमेशा हमें कुछ कुछ प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए, और वो जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ पर भी शायद कुछ जातिवाद, कुछ इश्यूज हुए हैं जिसकी वजह से, मतलब करे कोई भरे कोई वाला हिसाब है कि करा किसने, क्या चीज़ें हुई, जो भी है वहाँ पर। वो बेचारी दो लड़कियों के साथ वो जो घटना घटी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सच में इंसानियत का जो स्थिर है, मतलब अगर मैं बात करूँ जो एक स्टेज होती है इंसानियत की, वो नीचे नीचे गिरे जा रही है आए दिन। कुछ ना कुछ आप ही ऐसी ज़्यादा चीज़ें सुन ही रहे हैं, दुर्घटनाएं ऐसी घट रही हैं कि जिससे एक जो लेवल है ना वो नीचे से नीचे 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 जाया जा रहा है। इंसान भूल रहा है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्या चीज़ हमें भोगनी पड़ेगी, हमारे बच्चों को भोगनी पड़ेंगी। ये जो दुष्कर्म जो लोग कर देते हैं, 7 पीढ़ियाँ इसका भुगतान भुगतती हैं। 7 पीढ़ियाँ, मतलब आप मान के चलिए कि विनाश, उसमें से कौन सी पीढ़ी का होगा जिस, पता नहीं, इंसान कर तो देता है ठीक है, और कौन सी ऐसी पीढ़ी जो शायद कुछ जिनके प्लानिटरी या कार्मिक कनेक्शंस ऐसे होते हैं उसको भुगतना पड़ता है। इतना सब कुछ किया किसने, भरा किसने, तो वो चीज़ें आप सुन रहे हैं। और मैंने अलर्ट भी किया था कि आप सुनेंगे इस बीच में जो शुक्र सिंह राशि में है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिलेगा। फिर अभी ये जो रीसेंट, अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी आप लोगों से बात करी है, ये जो ये जो पाकिस्तान से महिला ऐसे आई है, तो ये चीज़ हुई, कहीं ना कहीं इतनी हिम्मत आ गई है, इतनी बोल्डनेस आ चुकी है कि बिल्कुल ही बेशर्मी मतलब लोग करके, पता नहीं इतनी हिम्मत आ गई है कि दो बॉर्डर्स ऐसे क्रॉस करे, या लोग घर में, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने पीक पे हो रहे हैं, दबा के ये सारी चीज़ें करे जा रहे हैं, खुलेआम किसी भी मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, कोई भी किसी के घर में कैसे भी चला जा रहा है, घुसे जा रहा है, कुछ भी, मतलब इतना इतना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जिस वजह से बच्चों की मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, डिप्रेशंस में जा रहे हैं बच्चे इतने सारे, क्योंकि फैमिली इश्यूज का इम्पैक्ट हमेशा बच्चों के ऊपर रहता ही है। आप उन चीज़ों से बच्चों को नहीं बचा सकते, और बड़े भी जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बच्चे इस चीज़ को ज़्यादा झेल रहे हैं आजकल। उस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ उनमें पैदा हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, बट स्टिल कुछ लोग हैं मॉडर्न हो गए हैं, समझ रहे हैं ये तो लिविंग स्टाइल है, आजकल का लाइफ स्टाइल है, ऐसे ही रहना है, ऐसे ही करना है। ठीक है, हर किसी को हम नहीं समझा सकते हैं, बट स्टिल मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ कुछ इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। आप जो कर रहे हैं वो आसपास उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बोला ही था कि इन चीज़ों को प्रमोट करना बंद करिए, लाइक करना बंद करिए। जहाँ पर लाइक करने होते हैं वहाँ तो लोग करते नहीं हैं, और ऐसी बकवास वीडियोस को, बोलना तो नहीं चाहिए ये शब्द, मुझे यूज़ तो नहीं करना चाहिए, बट
जहाँ पर बिल्कुल बेवकूफ़ी दिखाई जा रही है, बिल्कुल इतनी बेशर्मी दिखाई जा रही है, उन चीज़ों को लोग प्रमोट करते हैं, दिखाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पीक पर हो रही हैं, और एक्चुअल में यही कंटेंट ज़्यादा चल रहा है। तो आप लोग ही आने वाली जनरेशन को बचा सकते हैं, अपना योगदान दीजिए, ये नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता हम क्यों किसी की लाइफ में बोलें। पहले पड़ोस की लड़की भी अगर कहीं जा रही होती थी ना, तो वो अपनी नज़रें नीचे झुका लेती थी, क्योंकि उसको रहता था कि भाई पड़ोस के चाचा जी हैं या जो भी हैं, कि वो क्या बोलेंगे कल को, वो मेरे पिताजी को बता देंगे, या ये सारी चीज़ें होती थी। बट आजकल किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, खुलेआम बेशर्मी हो रही है। मतलब मैं सुनती हूँ कि लोग बड़े जो बूढ़े हैं ना बेचारे, उनको मुंह नीचे करके चलना पड़ता है। आप किसी आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के फ़ोन नहीं खोल सकते, इतना इंस्टाग्राम पे गंद भर गया है लिटरली। मतलब आप खोल ही नहीं सकते, इतना सब कुछ वो हो चुका है कि पता नहीं कब क्या चीज़ रील्स में फॉर्म में शेयर हो जाए, कुछ पता ही नहीं। तो वो चीज़ें हैं जो आपका मतलब ख़राब कर रही है, आप लोग ही रोक सकते हो। प्रमोट करना उनको बंद करो, सोर्सेज उनके ख़त्म होने चाहिए। ये अगर वो चीज़ें ही कर रहे हैं, जब आप लोग डिसलाइक करेंगे या आप लाइक ही नहीं करेंगे या आप देखेंगे ही नहीं, तो वो चीज़ आगे प्रमोट नहीं होगी। एनीवेज, अब मैं बात करूँगी जो शुक्र ग्रह 23 जुलाई को वक्री हो रहे हैं, 4 सितंबर तक वक्री रहेंगे, ठीक है। और उस बीच में 3 अगस्त को 3 अगस्त को वो अस्त भी हो जाएंगे, और 18 अगस्त तक वो अस्त रहेंगे। इस बीच में मतलब अधिक मास चल ही रहा है, और 16 अगस्त तक तो अधिक मास रहेगा अभी। इस बीच में शुभ कार्य नहीं होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा, इस बीच में शुभ कार्य नहीं करते हैं अधिक मास में। 21 अगस्त तक आप मान के चलिए कि शुभ कार्यों को नहीं किया जाएगा। और वक्री के चलते चलते 7 अगस्त को कर्क में चले जाएंगे शुक्र ग्रह, ठीक है। और इस बीच में अगर मैं बात करूं ऑल ओवर, 23 जुलाई से लेके जो शुक्र की पोजीशन रहने वाली है बेसिकली सब जगहों पर आप देखेंगे, तो वो 29 नवंबर तक आप मान के चलिए कि अशुभ है, ठीक है। 23 जुलाई से 29 नवंबर तक। अब इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, वो आप देखिए कि सबसे पहले पड़ेगा वृषभ राशि, जो कि 2 नंबर राशि होती है, दूसरे नंबर मेष के बाद जो वृषभ राशि होती है, क्योंकि शुक्र के लॉर्ड जो वृषभ के लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं, और तुला के भी जो लॉर्ड हैं वो भी शुक्र हैं। तो तुला राशि और वृषभ राशि, इन दोनों पर आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। इसलिए क्योंकि आपकी दशा का इम्पैक्ट क्या है और क्या पोजीशन है शुक्र की आपकी कुंडली के अंदर, वो सबकी इंडिविजुअली डिपेंड करती है, इसलिए वो बताना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा कि आप इन राशियों को क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। बट यस, ये इन राशियों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो शुक्र से रिलेटेड, शुक्र किस किस चीज़ का कारक है, आपको पता है लग्जरीज सबको चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री, ज्वेलरी, मैरिज, लव अफेयर्स, रिलेशनशिप, फैशन, फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, बहुत सारी जगहों पे शुक्र का यूज़ होता है। शुक्र से हमारी जो भी हमारे कपड़े, तो शुक्र कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको उन सारी चीज़ों में देखने को मिलने वाला है। उन सारी चीज़ें मतलब आप कह सकते हैं कि वहाँ पर उनके साथ थोड़ी परेशानी साबित हो सकती है इस टाइम में, परेशानी साबित ऐसे कि मार्केट डाउन हो सकती है इन सारी चीज़ों की। तो वो सारी चीज़ें आप देखेंगे, मैरिज में प्रॉब्लम्स, लव अफेयर्स में ब्रेक, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीज़ें आपको सुनने को आ सकती हैं। इसके साथ ही जैसा मैंने आपको बताया है कि सूर्य राशि परिवर्तन में कि आपको आई से रिलेटेड परेशानी आपको सुनने को मिल सकती हैं। देखिए आने वाले कुछ, अगर मैं बात करूं आने वाले 10, मतलब आज मैं ये 20 तारीख को रिकॉर्ड कर रही हूं, तो आप मान के चलिए कि 10 दिन और, आने वाले 10 दिनों के बाद आपको जो चीज़ें सुनने को आएंगी, हो सकता है या तो कोरोना वायरस का ही कोई नया वेरिएंट आपको देखने को मिल जाए, जो
बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, और वो जो इफ़ेक्ट करेगा वो हार्ट पे करेगा, ठीक है। मैंने इसके लिए भी आप लोगों के साथ एक प्रिडिक्शन शेयर कर रखी है ऑलरेडी, आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं बहुत सारे लोग। मैंने आपको बोला था कि आप अपना रूटीन चेकअप ज़रूर करवाते रहिए टाइम टू टाइम, और अगर दशा फेवरेबल होगी तो कुछ भी नहीं, चीज़ें होती होकर निकल जाती हैं, और दशा फेवरेबल नहीं होती तो फिर हमें उस चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। कोई ऐसा वेरिएंट आ सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर जो अब इफ़ेक्ट करेगा, तो इसलिए प्लीज़ मास्क ज़रूर लगाएं। और ये चीज़ मैंने बोली भी थी 2023 की स्टार्टिंग में भी बोली थी, तो अब आप मान के चलिए कि चलो स्टार्टिंग में तो ये चीज़ नहीं हुई, बट अब आने वाले 3 महीनों में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अब 10 दिन के बाद से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, बट स्टिल आई प्रे टू गॉड कि मेरी भविष्यवाणी सारी गलत साबित हो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें लोग सफ़र कर ही रहे हैं, ये जो अभी दुर्घटना घटी है बाढ़ के, जो हिमाचल साइड में हुआ, पानी की वजह से बहुत सारी परेशानियां सब फेस कर रहे हैं। प्लीज़ आप अपने लिए प्रे करें, अपनों के लिए प्रे करें, और पूरे विश्व के लिए प्रे करें, क्योंकि जब हम सब एक साथ प्रे करते हैं ना, तो परमात्मा जल्दी सुनता है। और जैसा कि मैं बार बार आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ कि बाहर जाना बंद करिए, थोड़ी मूवमेंट कम करिए, मत घूमने जाइए, मत इतना रिस्क लीजिए, और पहाड़ों की तरफ बिल्कुल 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 भी जाने का सोचिए भी नहीं। उसके साथ ही पानी वाली जगहों पे मैं मना कर रही हूँ जाने के लिए, वो भी अवॉइड करिए। और इसके साथ जैसे कि आपको ये सुनने को मिल सकता है, या तो कोई ऐसा नया वायरस भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोविड का ही कोई नया वेरिएंट आए, हो सकता है कि कोई और वायरस। और इसके साथ साथ जैसा कि आप सुन रहे हैं कि शुक्र का भी राशि परिवर्तन 29 नवंबर तक, टाइम ठीक नहीं है, तो इस बीच में चीज़ें हो सकता है महंगी हों, तो वो भी मैंने आपको प्रेडिक्शन दी थी कि वेजिटेबल्स आपको सुनने को मिलेंगी कि महंगी हो रही हैं, और वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये चीज़ भी आपको सुनने को मिल ही रही हैं। तो इसके साथ साथ पर अपने रिश्ते भी साथ साथ बचा के चलिए, और शुक्र की स्थिति भी ठीक नहीं है, तो इस बीच में शुभ कार्य तो वर्जित ही होते हैं, नहीं किए जाते हैं, जैसे शादी वगैरह। तो तारा डूबा हुआ है, वैसे मैंने आपको बताया है कि ऑलमोस्ट तारा डूबा रहेगा 21 अगस्त तक, अधिक मास भी चल रहा है, तो इस बीच में शुभ कार्य नहीं होते हैं। बट इसके बाद भी जब जो शुक्र की स्थिति ही अच्छी नहीं है, तो फिर आप कोई अच्छा काम, 3 नवंबर को वैसे भी शुक्र नीच राशि कन्या राशि में चले जाएंगे, और वो भी 29 नवंबर तक जाकर हालात थोड़े सुधरेंगे। तो जब नीच राशि में होंगे तब भी बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ही है चीज़ें। और जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वेरिएंट आ सकता है, मास्क लगा सकते हैं आप इससे बचने के लिए, और साथ ही में जैसे मैं कह रही हूँ कि मूवमेंट मत करिए, कहीं आना जाना है बहुत ध्यान सोच समझ कर ही जाइए, घूमने फिरने का रिस्क मत लीजिए इस बीच में, क्योंकि कभी भी सडनली कुछ भी आपको सुनने में आ सकता है, और भूकंप के झटके, ये सारी चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी, और काफ़ी ज़्यादा। और अभी ग्लेशियर फटने की न्यूज़ भी आप सुन रहे हैं। इसके साथ ही जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पर चीज़ें धस रही हैं अंदर, और मूवमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा ये भूकंप के झटकों की वजह से, तो गड्ढे भी हैं। और देखिए, आपको मतलब चोट चपेट ना लगे, कोई ऐसी दुर्घटना आपके साथ ना घटे, तो उसके लिए भी आप थोड़ा खास ध्यान रखें, मतलब उस चीज़ से भी आप बचाव कर सकते हैं अपना, कम भार मूव करिए। और आइस से रिलेटेड जैसा मैंने आप लोगों को अलर्ट किया हुआ है, तो उस चीज़ का भी आप खास ध्यान रखिए, आई इन्फेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। और जैसा मैंने आपको बोला कि कोई नया वेरिएंट, ये सारी चीज़ें, तो प्लीज़ अपना और अपनों का खास ध्यान रखिए। इसके साथ ही जैसा मैं आपको बोल रही हूँ कि अपना ट्रीटमेंट रेगुलर चेकअप ज़रूर करवाते रहिए टाइम टू टाइम, और मंत्र चैंटिंग जैसे मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि वो ज़रूर करते ही रहिए, अपने लिए, अपनों के लिए,
और प्लीज़ मास्क ज़रूर लगाएं, ज़रूर 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 लगाएं। जैसे ही कोई न्यूज़ में अगर आपको सुनने को मिल जाता है कि कुछ ऐसी चीज़ें घट रही हैं, तो प्लीज़ बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है, सीरियसली लेके मास्क लगाकर अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। और जैसे कि मैं आप लोगों के साथ बार बार बोल ही रही हूँ कि आप अपना अपने कर्मों से ही चीज़ें चेंज कर सकते हैं। हेल्प आप अपने कुछ देखिए, जो हम भुगत रहे हैं वो हमारे कुछ कार्मिक डेब्ट्स होते हैं जो हमें भुगतने ही पड़ते हैं, ठीक है। बट अभी के अपने कर्मों को तो सुधार सकते हैं, मनुष्य ही जीवन ऐसा हमें मिलता है सॉरी, जिसमें हम अपने कर्मों को सुधारने का हमें मौका मिलता है, हम परमात्मा का नाम ले सकते हैं। यही एक ऐसी हमें भगवान ने ब्लेसिंग दी होती है कि जिसमें हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। कुत्ता बिल्ली नहीं पाठ कर सकते, वो मंत्र चैंटिंग नहीं कर सकते, उनको मंदिर में जाना अलाउड नहीं है, आप लोगों को अलाउड रहता है। और जब भी मंदिर जाएं तो वहां पर कुछ देर ज़रूर बैठें, ये सारी चीज़ें करें। और मैंने कुछ रेमेडीज़ अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किए हैं, वो आप फॉलो अप कर सकते हैं। और भूकंप वाली न्यूज़ भी आपको सुनने को मिल सकती हैं, और मिलेंगी ही मिलेंगी, 200-300% आप मेरे से लिखवा लो, वो चीज़ें होनी ही हैं, हो भी रही हैं, आप देख ही रहे हैं कि देर सवेर वो चीज़ें आपको घटना घटती हुई दिख भी रही हैं, तो वो सारी चीज़ें होंगी। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि नदी जो है किनारे ही अपना रास्ता बदलेंगे, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल रही हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आप इस चीज़ से कुछ सबक ही सीखिए, सबक एज इन कि वो प्रिकॉशंस ही लेकर चलिए, वो चीज़ें मत करिए, मत जाइए, मत करिए, आप उन चीज़ों से अपना बचाव कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ प्रिडिक्शन की थी कि आने वाले जो मई जून जुलाई का महीना है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको राजनीतिक चीज़ों में भी आपको देखने को मिलेगा, तो वो वहाँ पर आप मणिपुर की भी जो घटना देख रहे हैं वहाँ पर, वही अब वहाँ पर बीजेपी की सरकार को बोला जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको होती हुई देखने को मिल ही रही हैं। और इन सारी चीज़ों से आप देख रहे हैं, मैंने अभी पीछे अपडेट भी कहा था कि अपने बच्चों का आपको खास ध्यान रखना है, अपडेट रखना है कि बच्चा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। थोड़ा ट्रैक करके रखिए कि कौन कहाँ से क्या कर रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और पानी से दूर रहिए, मैंने आपको बोला था नदियाँ रास्ता बदल सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। और होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही लगी होगी, और प्लीज़ इसको अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि वो लोग अपना प्रिकॉशंस लेके एटलीस्ट वो अपनी ट्रैवलिंग बंद करें, ना जाएं, थोड़ा सावधानी बरतें उन चीज़ों में, और वो चीज़ें ना करें। केतु ने जो स्टार्टिंग में हमें परेशानी नहीं की, बट वो अब जाते जाते परेशानी कर रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए। आपको आने वाले 3 महीनों में, पूरे विश्व की बात कर रही हूँ मैं ये, और दक्षिण की तो मैंने आप लोगों को अलर्ट किया ही हुआ है, नॉर्थ के लिए भी मैंने आपको अलर्ट किया ही हुआ है, पहाड़ों पे जाने के लिए भी अलर्ट किया ही हुआ है। इस बीच में आप सुनेंगे कि पूरे विश्व से कहीं से भी ये न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है, ओले ओले बरसते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। और अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको चोट चपेट बोली हैं, तो उन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। बारिश होंगी, मौसम में परिवर्तन होगा, ग्लेशियर फटने की न्यूज़ आपको सुनने को आ रही है, अभी पीछे जापान साइड से मैंने देखी थी न्यूज़, तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं घटते हुए दिख रही हैं। तो ओले बरसते हुए, आग लगने की दुर्घटनाएं, ये सारी चीज़ें आप सुन ही रहे हैं कुछ दिनों से।
आगे भी आपको न्यूज़ आएंगी, तो इसीलिए मैंने बोला भी था आप लोगों को कि इंश्योरेंस चेक करिए, इंश्योरेंस पेपर चेक करिए। तो अभी आने वाले टाइम में भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन चीज़ों पर आप ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस लेके चलिए, ठीक है। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी।